नहीं थी, शादी 2014 में हुई थी और अवार्डपुरा इंद्रनगर। मेरे तो TVS कंपनी में जॉब करते हैं आमिर खान, और उनके पिता का नाम रियाज खान और उनकी माँ अफसाना। इन लोग के साथ मुझे रहते रहते, हम सब लोग मतलब बाहर ही रहती है फैमिली। मेरे हस्बैंड भी, वो पहले पानीपत में रहते थे, उसके बाद में गुजरात ट्रांसफ़र हुआ उनका। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद वो मतलब मुझ पर काफ़ी टाइम से दबाव डालते थे, मारपीट का वो करते थे और डराते धमकाते थे। बोलते थे कि मैं अगर मेरे बारे में कभी किसी को कुछ बताया तो मैं चाकू से अपनी भी गर्दन काटते थे, और मुझे भी धमकियां देते थे और मेरे बच्चे को भी डराते, मुझे भी डराते। और अब उन्होंने मुझे, मैं काफ़ी टाइम से अभी घर थी, 7-8 महीने से घर थी अपने, मुझे पहले डराया धमकाया और मुझे भेज दिया कि जा, अगर तूने कुछ भी ऐसा किया तो मैं जान से मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा, यहाँ से चली जा और मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो मैंने उसके मानसा नाम लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, तो मैंने उसके खिलाफ उसे बोला कि तुम इसे छोड़ दो, तो मैं उसे रोकती उसके खिलाफ, तो वो मुझ पर उल्टा दबाव डालता कि नहीं मैं तो जाऊँगा मिलूंगा और वहीं रहूँगा उसी के पास। अब फ़ोन पर उसने मुझे गुस्से में आके, काफ़ी दिन से मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे की पढ़ाई भी ख़राब थी तो मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता रही थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने बोला पापा की भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे ले जाओ ले जाओ, तो नहीं मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं नहीं ले जाऊँगा। काफ़ी टाइम से यही बोलता रहा कि नहीं अब तू वहीं रहेगी, मैं तो यहाँ अच्छे से रह रहा हूँ और तू वहीं रहेगी, तुझे नहीं लेके जाऊँगा मैं। और फिर उसने तलाक दिया, मुझे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, फ़ोन पर बोला उसने 3 बार मुझे। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, उसने कानून का उल्लंघन करके मुझे तलाक दे दिया। पुलिस मामला तो नहीं कर रही है अभी कुछ, एक दो बार जा चुके हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। रिक्वेस्ट भी करी कि भैया आया ले जा इसको ले जा, फिर भी नहीं आया, फिर भी कहता रहा नहीं मम्मी वहीं पर ही रहेगी, जा नहीं रहेगी मेरे साथ। मैंने कहा ऐसा सब कुछ होता चलता, लेकिन नहीं शादी आदि नहीं की, बस बस ऐसे ही था। फिर भी हमने समझाया, इनकी तबीयत के मारे हमने किसी को कुछ नहीं बताया कि चलो अब आएगा तो ले जाएगा ले जाएगा। अभी नहीं, बस कल ही गए थे थाने में, उनकी राम की रिपोर्ट कर आए। फिर भी हमने गए उनके घर पे, फिर भी कई दिन से कि देखो अभी भी संभल जाओ, कुछ होना है तो देख लो, तो कहता है मैं रख रहा हूँ, मैं मना कब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगा बस। हाँ तलाक दे दिया ना, फोन पे दिया तलाक उसने। लेकिन हमारे उसमें तो होता है ना, और क्या, हम तो शरीयत के हिसाब से मानते हैं ना, हम मुसलमान हैं तो वो इसी हिसाब से रहेंगे ना। बस उसके लिए बिल्कुल विश्वास है, इंसाफ दिलाया ना हमारी बच्ची को, बस और कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं।